कृष्णा जी, दादी जान तुम कहाँ जा रही हो? वो दादी जान घुल के मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, उसने बुलाया, जरूरी काम है उसको। देखो बेटा, अब वो गुल की ससुराल है और तुम्हारा इस तरह वहां जाना मुनासिब नहीं है। अगर वो तुम्हें बुलाए तो तुम कोई बहाना कर दिया करो। दादी जान, गुल की शादी तो अभी हुई है और हमारा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है। अब गुल की शादी की वजह से हम उनसे अपना ताल्लुक तो नहीं तोड़ सकते ना। अरे बेटा, मैं तुम्हें तोड़ने को थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि यूं वक्त बेवक्त नहीं जाता, थोड़ी सी मोहतात रहो। जी दादी जान, आइंदा से ख्याल रखूंगी, अभी मुझे नहीं। अच्छा सुनो, जाने से पहले बेटा एक प्याली चाय तो बना दो, फातिमा की तबीयत खराब है और वो सो रही है। दादी जान मुझे बहुत देर हो रही, सकीना भी है ना, उसे बोले वो बना देगी ना। अरे रुशना बेटा, एक प्याली चाय बनाने में कितना वक्त लगता है? पहले ही सवाल जवाब में इतना टाइम जाया कर दिया है, कहीं नौफल निकल ना जाए। और अब तो तुम ये काम बड़े शौक से करती हो। दादी जान मगर अभी नहीं कर सकती ना, आप प्लीज समझे ना, गुल के मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, उसे बहुत जरूरी काम है मुझसे। खुदा हाफिज। खैर रखे, ऐसी क्या बात हो गई जो गुल ने इसको फौरन बुलाया है? वॉलेट। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। याद इसलिए नहीं था कि तुम छुड़वा लो। अगर तुम कभी ऐसा कुछ चाहो तो। क्या फजूल बातें सोचती रहती हो? इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने का अहद करके ही थामा था ये हाथ। बेपना। क्या देख रही हो? लगता है मेरे लफ्जों से एतबार उठ गया तुम्हारा। माय लफ्जों से किस्मत से एतबार। मेरी जिंदगी ने कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं, और जब दिया तो बहुत जल्दी वापस मिला। अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दो, खुद पर भरोसा करना सीखो, अपनी खूबियों को सहलाना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, और अगर हक ना मिले तो उसे छीन कर हासिल करना सीखो। मैं रुशना नहीं हूँ नौफिल, जो दूसरों से उनकी खुशियां छीन। ये रुशना कहाँ से आ गई हमारे बीच में? आ गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मुझे लगता है कि वो आ चुकी है। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया बेपनाह।